Hello everyone, welcome to Temfect Education. So in today's lecture, I will explain like how to deal with the organic chemistry. बहुत सारे लोगों को organic chemistry से डर लगता है. मैं भी मानता हूँ इस चीज को कि हाँ ठीक है भाई, लोग मानते हैं इस चीज को कि organic tough है, but ऐसा है नहीं. देखो सही बताऊँ तो लोगों में रहता है कि मैं inorganic कर लूँ या physical कर लूँ और उसी से मैं exam pass कर लूँ. तो देखो यदि आपने exam अभी pass भी कर लिया, ठीक है, inorganic और फिजिकल के बेस पे, तो आपको कॉलेज जाओगे मतलब या कहीं पे इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको ऑर्गेनिक का तो फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि हम बिना ऑर्गेनिक के मतलब कोई एग्जाम लिख रहे हैं और पास हो गए तो हमें देखो पास नहीं होना. पहली चीज तो ये बता दूं, हमें जो हमने आपने कोचिंग ज्वाइन की है तो इसका मतलब ये है कि हमें कुछ ना कुछ मतलब रिजल्ट देना है, कोचिंग को भी रिजल्ट देना है और अपने पेरेंट्स को भी रिजल्ट देना है, ठीक. तो यदि ऑर्गेनिक की बात करूं मैं तो ऑर्गेनिक देखो कुछ है नहीं. वैसे देखा जाए तो ओनली रिएजेंट और अपने जो सब्सट्रेट होते हैं उन्हीं का खेल होता है और उनके बेस पे अपना प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक. तो देखो यदि बात करूँ कि मतलब मेरे को कि क्या क्या पता होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जब मैं बात मतलब डील करूँ जब, तो मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, तो बोल सकता हूँ कि मेरे को पहले जीओसी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है. तो बोल दूं कि मतलब कोई एसिडिक प्रोटोन होगा या कोई बेसिक, मतलब मान लो एसिडिक प्रोटोन है सबसे ज्यादा कोई उस रिएक्शन में, यदि मैंने बेस यूज में दिया तो सर उसके अकॉर्डिंग में अपने को यहाँ पे मेरे रेडियो सिलेक्टिविटी, केमिस्ट सिलेक्टिविटी ये सब मैं डिफाइन कर सकता हूँ, मतलब कि सर कौन सा टर्मिनल मेरा यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा कौन सा नहीं करेगा. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जीओसी की बात कर रहा हूँ मैं, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ कि मेरे पास ये इंटरमीडिएट यदि स्टेबल होगा या नहीं होगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब स्टेबल होगी या नहीं होगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपने यहाँ पे जीओसी के बारे में जीओसी के अकॉर्डिंग बता सकता हूँ. और जीओसी में एक चीज और पता होनी चाहिए कि हार्ड एंड सॉफ्ट के बारे में, कि कौन सा सेंटर मेरा हार्ड है और कौन सा सेंटर मेरा सॉफ्ट है. तो देखो यदि आपको इतनी चीज पता चल गई कि मतलब ये हार्ड सेंटर है ये सॉफ्ट सेंटर है, तो पर्टिकुलर जो रिएजेंट होता है कोई उसका कोई ना कोई फंक्शन होता है, ठीक है. जैसे मान लो कि मैं बोल दूं कि जो मेरा जो MeMgBr गिगना रिएजेंट है और मैग्नीशियम का है वो क्या करता है अपने पास डायरेक्ट अटैक करता है किस पे, हार्ड सेंटर पे. ऐसे ही में यदि R2CuLi की बात करूँ तो वो मेरा सॉफ्ट सेंटर पे अटैक करता है. तो देखो यहाँ पे पर्टिकुलर पता चल गया कि हमें ये रिएजेंट क्या फंक्शन है इसका, और हमें यहाँ पे यदि सब्सट्रेट हुआ या अपना जो रिएक्टेंट हुआ उसमें हमें पता है कि ये सेंटर ये वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं. अब बात आती है कि प्रोडक्ट से डील कैसे करें, तो वो मैं आपको सब चीजें मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है. तो देखा जाए तो देखो मेरे को पहला पॉइंट था मेरा जीओसी के बारे में, मेरे को जीओसी के बारे में पता होना चाहिए. और दूसरा बोल दूं कि मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल और मेरे पास न्यूक्लियोफाइल की मेरे को क्या नॉलेज होनी चाहिए, इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए. उसका रीजन ये है कि मान लो कि आपको मान लो कोई एमाइड दे दे, एल्डिहाइड और कीटोन दे दे और आपको रिएक्टिविटी के बारे में पूछे कि इनमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव है. तो देखो हमें पहले जीओसी हमने पढ़ चुके हैं, जीओसी पढ़ चुके हैं, तो उसके अंदर हमें पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है. तो नाइट्रोजन क्या करता है, उसके पास लोन पेयर भी होता है, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर इधर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है. तो मतलब वो उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक. ऐसे यदि मैं CH3 की बात करूँ तो CH3 पर लोन पेयर नहीं होता तो वो कम पुल कर रहा होगा उधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. और जैसे एल्डिहाइड की बात करूँ तो वहाँ पे एक हाइड्रोजन रहता है अपने पास, तो हाइड्रोजन के केस में हम बोल सकते हैं कि अपने पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम डोनेट मतलब डोनेट नहीं कर रहा होगा, कुछ भी नहीं डोनेट कर रहा होगा हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ऐसा नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन के केस में बहुत कम होगा. तो बोल सकते हैं कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन देन एमाइड. तो हमें यहाँ कैसे पता चला कि ये सब चीजें, हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अकॉर्डिंग पता चल गया. अब इससे ये पता चल रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा मतलब कौन सा सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, और कौन मान लो कि अपने पास यदि न्यूक्लियोफिलिक की बात करें तो ऐसे ही यदि हम एनर्जी लेवल में बढ़े, जैसे मान लो कि आयोडीन माइनस है मतलब आई माइनस है मेरे पास, बी आर माइनस है, एफ माइनस है, तो इनमें भी मेरे को पता है कि जैसे मतलब आई माइनस है मेरा कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है. उसका रीजन क्या बोलते हैं बेटर न्यूक्लियोफाइल होने का, क्योंकि जो उसके पास इलेक्ट्रॉन है मतलब वो लूजली बाउंड है. जैसे यदि फ्लोरिन की बात करूँ तो फ्लोरिन अपने पास क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिसका मतलब वो अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बाउंड रखेगा, इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि अपने पास लेस न्यूक्लियोफाइल है. तो ये सब चीजें हमें पहले से पता होनी चाहिए जो हम जीओसी में सीखते हैं. तो मतलब बोल सकता हूँ पहले जीओसी पता होनी चाहिए, दूसरा बोल सकते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में पता होना चाहिए, तीसरी बात है अपने पास रिएजेंट मतलब कौन सा रिएजेंट क्या काम करेगा मतलब उसका फंक्शन क्या होगा, ठीक. यदि बात करें जैसे मान लो कि जैसे अभी गिलिगनार रिएजेंट की हमने बात की तो ये डायरेक्ट अटैक करता है जैसे एल्डिहाइड को अपने पास एल्कोहल में चेंज कर देगा, ठीक है. ऐसे ही बात करें मतलब कोई जैसे केटोसी आटो की बात करें तो ये क्या ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है. तो हमें पर्टिकुलर पता होना चाहिए मतलब ये चीज तो हमें पता होना चाहिए कम से कम कि भाई ये ऑक्सीडेशन करेगा या रिडक्शन करेगा. वो बाद की बात है कि भाई क्या मतलब कौन से सेंटर को करेगा कौन से को नहीं करेगा, लेकिन
ना हमें पता होना चाहिए कि जैसे मान लो कि अलग अलग स्कोर लिया हमने तो वो हमें पता है कि रिडक्शन करेगा, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए बस, इतनी सी ओनली इतनी सी बात पता होना चाहिए। तो बाद में उसकी जो सिलेक्टिविटी है वो हम अपने लेक्चर में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मतलब कैसे मतलब आपको डिफाइन करना है, कैसे डील करना है कि कौन सा सेंटर आ गया। मतलब अपने पास दो सेंटर है और मान लो रीजन सिलेक्टिविटी की बात करूं मैं तो दो सेंटर है मेरे पास और उनमें से कौन सा मतलब पार्टिसिपेट करेगा मेरा, ठीक। तो ये चीज हम यहाँ पे अपने जो लेक्चर से जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं उनपे हम डील कर रहे हैं, ठीक। तो ये बात हम वहाँ पे अपने वीडियोज में एक्सप्लेन करेंगे। और चौथी बात बोलूं तो मैं बोल सकता हूँ कि रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन कंडीशन का मतलब ये है कि मतलब आपको यदि एलडीए ही दे दिया, सपोज करो एलडीए दे दिया और एक जगह मेरे को रखा -78 डिग्री रखा और एक जगह मेरे को बोल दिया 25 डिग्री रखा, तो -78 वाला है और मेरे को पता है कि एलडीए। देखो अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, बोलते हैं कि एलडीए आ गया मेरे पास, यहाँ पे काइनेटिक प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। काइनेटिक प्रोडक्ट मतलब काइनेटिक इनोलेट फॉर्म कर देगा, ऐसे बोल सकते हैं यदि इनोलेट की बात चल रही हो तो। ऐसा नहीं है, यदि एलडीए आ गया तो हमें ये देखना है कि पर्टिकुलर पहले की टेम्परेचर क्या दे रखा है, मतलब रिएक्शन कंडीशन देखनी है वहां पे हमें। जैसे मान लो कि उसने -78 दिया तो हमें पता है कि -78 पे ये क्या करेगा, वो काइनेटिक इनोलेट फॉर्म करेगा, ठीक है। और ऐसे यदि हमने 25 दे दिया तो इसका मतलब वो क्या बोल रहा है कि अपने को यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा के दे रहा है, ठीक। इसका मतलब वो थर्मोडायनेमिक अपने पास इनोलेट फॉर्म करेगा। तो देखो एलडीए है वो हमेशा मतलब बोलते हैं कि काइनेटिक इनोलेट फॉर्म करता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर उसने चेंज करके वहाँ पे उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो हम रटेंगे किसी चीज को नहीं, हमें पता होना चाहिए कि मतलब पता इन द सेंस बोल सकता हूँ कि हमें रखना नहीं है, ठीक है। हमें ये ध्यान रखना है कि किसका फंक्शन क्या है, बस ओनली इतना ही ध्यान रखना, रटना कुछ भी नहीं है। हमने पहले जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाई है उसमें हमने बहुत सारी होमोलोगो की बात की है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम सारे डील करेंगे, ठीक। और यदि फिफ्थ पॉइंट की तो हमें इंटरमीडिएट्स के बारे में बता होना चाहिए थोड़ा सा, जो जेबीसन ने हमें पढ़ा रखा है, आपको जेबीसन ने पढ़ा रखा है। सिक्स्थ बात करता हूँ मैं होमोलोमो की, इसके बाद होमोलोमो की। तो देखो होमोलोमो यदि जिस बंदे को होमोलोमो कंसेप्ट क्लियर है जिसका, वो कोई भी रिएक्शन आए, कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी रिएक्शन आए, उसको ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि यार रिएक्शन होने वाली कहाँ है, उसको डायरेक्ट ये देखना है कि इसकी एनर्जी यहाँ पे लाई कर रही है, इसकी एनर्जी यहाँ लाई कर रही है। जैसे मैं बात करूँ मेरे पास यहाँ पे कॉन्जुगेट मतलब मेरे पास कॉन्जुगेट एलाई सिस्टम है और वहाँ पे जो टर्मिनल आया उसमें मेरे पास ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं बोल दूँ कि यहाँ पे रिएक्शन मतलब जो सिग्मा स्टार सीबीआर में होगी या पाई स्टार सीसी में होगी, ठीक। यदि यहाँ पे बात करें तो हमें पता है कि यदि होमोलोमो जिस बंदे को पता है कि होमोलोमो क्या है तो वो बोलेगा कि मेरे पास पाई स्टार सीसी की एनर्जी क्या है, पाई स्टार सीसी की एनर्जी कम है और एज कम्पेयर टू सिग्मा स्टार सीबीआर, ठीक। तो मैं बोलूंगा कि मैं पाई स्टार सीसी में डोनेट करूंगा, मैं सिग्मा स्टार सीबीआर में क्यों डोनेट करूंगा। इसके अकॉर्डिंग वो होमोलोमो के अकॉर्डिंग एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, यहाँ पे अपने पास प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ठीक। ऐसे ही बात करूं मैं यदि SN1 SN2 की बात करूं पर्टिकुलर, ठीक है। तो SN1 की बात करें तो हमें पता है कि उसमें क्या कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है और कार्बोकेटाइन के केस में अपने पास एटॉमिक ऑर्बिटल में अपने पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट होती है न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। और जबकि बात करें SN2 में तो SN2 में किसमें एंटी बॉन्डिंग में होती है, तो हमें पता है कि SN1 या फास्ट होगी या SN2 फास्ट होगी। सपोज करो मेरे पास कोई एक ही मॉलिक्यूल है और उसमें दो सेंटर है, एक पे मेरे SN1 होने वाली है और एक पे SN2 होने वाली है। यदि किसी को होमोलोमो गैप पता है मतलब होमोलोमो कंसेप्ट क्लियर है उसका, तो उसको पता है यदि मैं SN1 की बात करूँ मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है तो मेरे पास होमोलोमो गैप क्या है, कम है मेरे पास, कम है रहेगा, तो इसका मतलब मेरे पास SN1 फास्ट होगी एज कम्पेयर टू SN2 इन द वन मॉलिक्यूल, मतलब ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, ठीक। तो ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए होमोलोमो के बारे में, थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो जो आज का जो लेक्चर बता रहा हूँ मैं, वो ये बता रहा हूँ कि मतलब ऑर्गेनिक से हम कैसे डील करना है और हमें क्या क्या पता होना चाहिए, मतलब जो बेसिक सी बातें हैं कि वो क्या पता होनी चाहिए, मतलब किसी चीज को हम पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ना चाहिए। उसके बाद में आपको मैं बुक्स भी बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए, मतलब कौन से लेक्चर देखने चाहिए, कौन से वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली किसकी, अपने होमोलोमो की। उसके बाद में बात करते हैं रेडियो सिलेक्टिविटी और स्टीरियो केमिस्ट्री की। तो यदि बात करें स्टीरियो और रेडियो सिलेक्टिविटी की, तो देखो रेडियो सिलेक्टिविटी तो अपने जेन तक पूछी जाती है, ठीक है। अब बात आती है स्टीरियो केमिस्ट्री की, तो यदि आपको नेट और गेट क्लियर करना है तो आपको स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में पूरा पता होना चाहिए, ठीक। और यदि आपको जेन क्लियर करना है और डीयू और जितने बीएचयू के एग्जाम क्लियर करने हैं तो आपको रेडियो सिलेक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए कि मतलब मेरे पास दो टर्मिनल है, कौन सा मेरे पास पार्टिसिपेट करेगा, मतलब मेरे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, उनमें से कौन से वाले फंक्शनल ग्रुप पे मेरे पास रिएक्शन होने वाली है, ये बात कर रहा हूँ मैं रेडियो सिलेक्टिविटी की। स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करूँ तो स्टीरियो केमिस्ट्री में बोल सकता हूँ कि मेरे पास कि ये सिस होगा या ट्रांस होगा, जेड इनोलेट फॉर्म होगा या ई इनोलेट फॉर्म होगा, ये सब चीजें हमें पहले पता होनी चाहिए।
तो देखो इन सब चीजों के लिए मतलब इनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि कौन सी वीडियो आपको देखने हैं और कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है। ठीक, तो यदि मैं एक एक चीज से स्टार्ट करूँ, मतलब यदि बात करूँ मैं IIT जेएन के लिए, तो IIT जेएन में यदि आपको बेसिक्स सीखना है, मतलब बोल दूं कि देखो बेसिक्स का मतलब है कि मेरे पास यदि आपको GOC सीखना है, इलेक्ट्रोफाइल यदि न्यूक्लियोफाइल के बारे में पता लगाना है, रिएजेंट के फंक्शन देखना है कि कौन सा रिएजेंट मतलब क्या काम करेगा, रिएक्टिविटी के बारे में देखना है, तो ये सब चीजें आप क्लेडन से मतलब जो क्लेडन बुक है अपनी उससे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में आपको लेक्चर देखना है, तो देखो बेसिक सा होता क्या है कि लेक्चर्स में हम बहुत सारी बुक्स को यहाँ पे एक साथ कलेक्ट करते हैं, मतलब उनसे जितने भी एग्जाम्पल होते हैं उन सबको कलेक्ट करके हम वहाँ पे एक जगह समराइज करते हैं उन सब चीजों को। तो वीडियो आपको इसलिए यहाँ पे प्रेफर करते हैं हम कि आपको जितना भी हमने जो सर्च किया है, आप तो ऐसा है कि मतलब एक शॉर्ट टाइम में आप पूरा तो देख नहीं सकते, मतलब सारी बुक्स तो पढ़ नहीं सकते, तो उसमें क्या होता है पर्टिकुलर जो हमें मतलब जो हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो हमें एग्जाम्पल अच्छे लगते हैं हम उनको वहाँ पे एक तरह से समराइज करके आपको यहाँ पे डिलीवर करते हैं। ठीक, इसलिए बोलते हैं कि आपको वो वीडियो देखने चाहिए। ऐसे ही यदि बात करूँ मैं स्टीरियो केमिस्ट्री की, तो स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए यदि आपको बेसिक से उठना है, मतलब थोड़ा सा उठना है, तो बोल सकते हैं कि आपको PS कल्सी यहाँ पे आप प्रिफर कर सकते हो जेएम के लिए, PS कल्सी मोर देन सफिशियंट है। और बोल दूं कि यदि आपको हायर लेवल, जैसे मान लो कि नेट गेट के लिए बात करूँ मैं, तो नेट गेट के लिए इंडियन मेरे पास एक बुक है वो जो मैं यहाँ पे मतलब आलोक सर के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो आप ये जितनी भी बुक्स है जो मैं अभी नाम ले रहा हूँ, ये सारी बुक्स के मैं नाम लिखूंगा अभी, मैं अपनी जो मेरे पास जो डेस्कटॉप है उसके मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करूंगा यहाँ पे, और उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मतलब कौन कौन सी बुक किस चीज के लिए फॉलो करनी है और किस चीज के लिए आपको फॉलो नहीं करनी है। ठीक है, तो PS कल्सी बात कर ली, नासिकपुरी भी स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए अच्छी बुक है। ठीक है, और एक लिए लोही भी, तो अपने पास तीन बुक है स्टीरियो केमिस्ट्री की। तो यदि आपको पढ़ना है, मतलब आपको देखना है कि मेरे पास स्टीरियो केमिस्ट्री में बहुत वीक है, मेरे को बेसिक से जानना है स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है क्या नहीं है, तो आप ये तीनों बुक फॉलो कर सकते हो। और बात करूँ मैं GOC की, तो देखो GOC की कोई बुक नहीं होती, सीधी सी बात बताऊँ। आलोक सर ने अब GOC बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है, मैं मानता हूँ, मैंने देखे हैं बहुत सारे लेक्चर, तो आलोक सर ने मतलब सारे कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं वहाँ पे GOC की बात करूँ। बात आती है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की, तो देखो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आप क्लेडन को प्रिफर कर सकते हो। तो देखो बेसिक सा देखा जाए, मतलब जो क्लेडन बुक है वो एक तरह से बोल सकते हैं कि किसी को मतलब जनरल चीजें मतलब सीखना है, मतलब उठना है, मतलब अपने बेस बनाना है उसको, तो क्लेडन प्रिफर कर सकता है। यदि आपको फर्स्ट और सेकंड रैंक लानी है, तो मैं आपको उसके लिए मतलब बुक से यहाँ पे प्रिफर करूंगा कि कौन सी बुक है वो आपको फॉलो करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि नेट और गेट की बात करूँ, तो मैं बोलूंगा कि केरे आप यूज में लो, केरुतरा आप यूज में लो। ठीक है, वो बुक बहुत मतलब बोल सकता हूँ कि वेलिड है, मतलब वेल अप टू डेट है, वो ऐसे बोल सकता हूँ। उसका रीजन ये है कि उनके अंदर क्या होता है, मतलब जो पब्लिकेशन होते हैं उनके रेफरेंस दिए होते हैं, मतलब जो कह रहे हैं उसमें हर पर्टिकुलर रिएक्शन के बारे में आपको वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक रेफरेंस मिलेगा। ठीक, तो ये बात मैं बोल सकता हूँ किसके लिए, अपने पास नेट और गेट वालों के लिए। और अब बात करते हैं रिएजेंट की, तो रिएजेंट की भी एक बुक मैंने शेयर की है, वो मतलब बहुत अच्छी बुक है, जो मैं अब तक जितने भी लेक्चर बनाया मैंने उनमें से मतलब बहुत सारे मतलब क्वेश्चन मैंने उठाए, मतलब एग्जाम्पल्स उठाए मैंने, तो उसमें क्या है जो मैंने बुक शेयर की है सर के साथ, तो उसके अंदर क्या है पर्टिकुलर कोई भी रिएजेंट ले रखा है और उसके जितने भी पॉसिबल मतलब बोल सकता हूँ कि रीजन सेलेक्टिविटी और स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसके अंदर सबकी डील की हुई है। जैसे मान लो कि मेरे पास डबल बॉन्ड है, मेरे पास सिंगल बॉन्ड है, मेरे पास साइक्लिक है, एसाइक्लिक है, सबकी चीज के सब मतलब मेरे पास दो टर्मिनल है, कौन से में मेरे पास MCPP ले लिया, इनसाइड किस साइड हो रहा है, किस साइड नहीं हो रहा है, कौन से चिलेट करेगा, क्या स्टीरियो केमिस्ट्री होगी, तो वो सब उसमें डील की हुई है। तो आप वो मतलब वो बुक भी आप कहाँ से आलोक सर से ले सकते हो। ठीक है, बात करूँ होमोलूमो की, तो होमोलूमो के लिए भी एक बुक शेयर की है, मतलब जो जितने भी बुक है उनके नाम मैं अभी यहाँ पे स्क्रीन पर रिकॉर्ड करूंगा तब मैं मेंशन करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको कौन कौन सी बुक्स है मतलब जो सर से लेनी है और कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है और कौन कौन से आपको लेक्चर देखने। अब बात आ जाती है लेक्चर्स की। ठीक है, ये बुक मैं आपको प्रिफर कर रहा हूँ कि मतलब ये जनरल बता रहा हूँ, अभी जब स्क्रीन रिकॉर्ड करूंगा तब मैं सारी बुक्स मेंशन कर दूंगा आपको कि मैं कौन सी पढ़नी चाहिए और एक्चुअल में पढ़ना भी चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। अब बात आती है लेक्चर की, तो देखो मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि चलो ठीक है मैं कैम्फेक्ट में पढ़ाता हूँ तो इसका मतलब ये है कि चलो ठीक है मैं कैम्फेक्ट के लिए तो बोलूंगा ही कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है। ऐसा देखो मैं यदि किसी चीज को प्रेफर करता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ कि पहले आपको ट्यूशन देखना चाहिए कि एग्जाम में किस टाइप के ट्यूशन आए हुए हैं, और आपको मतलब एक कोचिंग के नहीं दो तीन कोचिंग के आप यहाँ पे ट्यूशन मतलब जो लेक्चर है उनको देखो और उनमें देखो कि मतलब
मतलब उस बंदे ने, मतलब जो भी टीचर है उसने मतलब क्या डील किया, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। यदि उस बंदे ने यदि सेम क्वेश्चन मतलब जो एग्जाम में क्वेश्चन आया उन्हीं को डील किया है, तो इसका मतलब ये है कि उस बंदे ने आगे सोच नहीं पाया, वो कोई क्वेश्चन उठा रहा है, उनके आंसर उसको पता है, तो वो आपके सामने वो रख रहा है उन चीजों। यदि बंदे ने एक भी मतलब जो टीचर की बात कर रहा हूँ, टीचर उसने यदि एक भी मतलब क्वेश्चन अपनी तरफ से मतलब बिल्ड किया है, मतलब बोल सकता हूँ कि उसने सोचा है कि अगली बार ये वाला क्वेश्चन पूछा है, अगली बार ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यदि ऐसा किसी ने किया है तो मतलब आप उसका लेक्चर देख सकते हो। देखो जो अब तक पूछेगा वो कभी दोबारा नहीं पूछेगा, बस ये है कि उस पर बेस पे मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन आजकल के जितने भी मतलब जो साइंटिस्ट है वो सब इतने एडवांस हो गए कि वो सोचते हैं कि यहाँ पे मैं क्रॉस कर चुका हूँ, तो मैं अब क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस करना चाहता हूँ, ठीक है। वो क्या करते हैं, नेक्स्ट एक स्टेप वो आगे बढ़ के आपको क्वेश्चन देते हैं, ठीक। तो आपको यही देखना है कि मतलब कौन क्या मतलब मेंशन कर रहा है अपने लेक्चर में, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो कर सकते हो। यदि हमारे कैंपेट की बात करें तो आपको नंबर ऑफ वेराइटीज क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, मतलब जो मतलब अब तक जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो हमने चार लेवल तक ही मतलब फिनिश कर देते हैं, मतलब जो आईआईटी के हैं वो नेट गेट के हैं, वो अपनी चार लेवल होती है उनमें हम क्लियर कर देते हैं। अब बात आती है कि हम मतलब एक्स्ट्रा जो नेट और गेट वालों के लिए और जेम वालों के लिए है वो एक्स्ट्रा मतलब कि हम अपनी तरफ से क्या मतलब आपको दे रहे हैं। तो जो फिफ्थ से लेके अपने पास जो एट्थ लेवल तक होती है वो उसके अंदर यही होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आगे पूछ सकते हैं, ठीक है। मतलब फोर लेवल तक तो आपके पास जितने क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक और मतलब सिलेक्टिविटी की वगैरह सबकी बात हो जाती है उनकी, लेकिन जो फिफ्थ से लेके एट्थ तक है वो ऐसा रहता है कि अपने पास कौन से क्वेश्चन अब आ सकते हैं, मतलब कौन से क्वेश्चन अब आगे डील हो सकते हैं, मतलब जो भी कोई यदि पेपर बनाएगा तो वो क्या सोच के बना सकता है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे अपने लेक्चर्स में मेंशन कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात वही है। और दूसरी बात यदि एक चीज और बता दूं, यदि आप नेट और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नेट और गेट में क्या होता है कि स्टीरियो केमिस्ट्री के बिना कोई ही मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं आता वहाँ पे। आप देख लेना उठा के, मैं अभी अभी अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ सच में ऐसा होता है या नहीं होता है, कि मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। तो देखो स्टीरियो केमिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, और यदि आप किसी भी बंदे का मतलब कोई भी टीचर का मतलब आप लेक्चर देख रहे हो उसमें यदि किसी ने मेंशन की स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन की है दैट इज फाइन, मतलब आप उसका लेक्चर देख सकते हो। यदि किसी ने स्टीरियो केमिस्ट्री यदि मेंशन नहीं की है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे वहाँ पे। उसका रीजन ये है कि उसके अकॉर्डिंग आपको यदि प्रोडक्ट फॉर्म करना भी आ जाएगा तो एट द एंड आपको स्टीरियो केमिस्ट्री तो पता होनी चाहिए ना। स्टीरियो केमिस्ट्री यदि आपको पता नहीं रहेगी तो आपके पास वहाँ पे भी फिर दो ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। तो देखो यदि जनरल मैकेनिज्म की बात करें, मतलब एल्डोर रिएक्शन की बात करूँ, रॉबिनसन की बात करूँ, माइकल्स की बात करूँ, तो ये सब चीजें तो मैं इंटरनेट पर भी सर्च कर सकता हूँ। मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ किसी का वीडियो देखने में, मेरे को टाइम वेस्ट वहाँ पे करना है, मतलब टाइम वेस्ट के नहीं मतलब टाइम यूटिलाइज वहाँ करना है जहाँ मेरे को आता नहीं है। मतलब मैं स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करूँ तो स्टीरियो केमिस्ट्री आपको एक टीचर अच्छे से समझा सकता है, क्योंकि उसको पता है कि मतलब बच्चा क्या सोच पाता है और किस तरह से वो डील करेगा और हम किस तरह से उसको मतलब जो उसका जो कंसेप्ट है वो हम कैसे डिलीवर कर सकते हैं बच्चे तक, ठीक है। तो ये सब चीजें अपने क्या होती है कि मतलब जो एक टीचर होता है वो सब जानता है कि मतलब ये क्या सोच के इसको कैसे प्रोडक्ट फॉर्म करेगा कैसे नहीं करेगा। तो हम अपनी मतलब जो स्ट्रेटेजी है वो आपको अपना मतलब आपके माइंड में अप्लाई करते हैं कि ये वाली आप अप्लाई करो, ठीक है। मतलब हम डिलीवर करते हैं कि आपको ये वाला कंसेप्ट लगाना है वहाँ पे, तो आपको वो फॉलो करना चाहिए, इसलिए हम बोलते हैं कि आपको वीडियो देखना चाहिए, ठीक। तो ये बात है मतलब, तो आप यदि कुछ किसी का वीडियो देख रहे हो किसी का यदि वीडियो देख रहे हो तो उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री होनी चाहिए नेट और गेट वालों के लिए, मैं बता रहा हूँ। और जेम वालों के लिए बात करूँ तो उसमें यदि किसी ने वीडियो सिलेक्टिविटी, ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है इधर मेरे पास मतलब इंट्रामोलिकुलर मेरे पास कीटोन मतलब इंट्रामोलिकुलर एल्डोर रिएक्शन करवा रहा है, इधर भी मेरे पास कीटोन ले रहा है, इधर भी मेरे पास कीटोन ले रखा है, कोई सिलेक्टिविटी नहीं है, मैं इधर से हाइड्रोजन अपग्रेड करूँ या इधर से हाइड्रोजन अपग्रेड करूँ कोई मतलब नहीं है मेरे पास, दोनों से सेम प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है। तो देखो ऐसा यदि कोई क्वेश्चन करवा रहा है तो नॉर्मल बेसिक से बात करवा रहा है, आपको वो नहीं देखना, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं तो ऐसे बोलूंगा कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो अब तक हम बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे कि लाइक हाउ टू डील विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसमें हमने देखा था कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए, तो उन चीज़ों को मैंने यहाँ पे समराइज किया है, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि फर्स्ट यू शुड नो अबाउट लाइक जीओसी के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है, जीओसी के बारे में हमें पता होना चाहिए, और उसमें एसिडिटी बेसिसिटी के बारे में पता होना चाहिए, हार्ड सॉफ्ट नेचर पता होना चाहिए कि मतलब कौन सा ज़्यादा मतलब हार्ड होगा सेंटर, कौन सा ज़्यादा सॉफ्ट सेंटर होगा, ठीक। और रिएजेंट के मतलब अकॉर्डिंग टू रिएजेंट वी कैन से लाइक कि ये यहाँ पे अटैक करेगा और दूसरा वाला रिएजेंट हार्ड पे या सॉफ्ट पे वहाँ पे अटैक करेगा। और हमने बोला था कि रेजोनेंस के बारे में पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल की बात की थी, न्यूक्लियोफाइल की बात की थी, मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में बोल रहे थे कि यह हमें पता होना चाहिए।
ठीक है, और बोल सकते हैं कि रिएजेंट जो हमें जेवी सर ने पढ़ाया है तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समराइज किया कि हमें अब तक क्या क्या मतलब पता होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखो, यदि आपको ऑर्गेनिक समझना है तो ऑर्गेनिक समझना है तो आपको जो ये 8 अपने यहाँ पे टॉपिक लिए हैं, मतलब कि हमें क्या पता होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो वो आपको मतलब जानना जरूरी है। ठीक है, इनकी जब तक आपको नॉलेज नहीं है तब तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ लगेगी, लेकिन जब आप ये जान जाओगे सब तो आपको ऐसे लगेगा कि ऑर्गेनिक तो कुछ है ही नहीं। मतलब ऐसे जैसे मैथमेटिक्स होती है ना, मैथमेटिक्स में हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं और हमसे होने स्टार्ट हो जाते हैं तो ऐसे लगता है कि मैथमेटिक्स से इजी तो कोई है ही नहीं, तो वैसे ही एक तरह से केमिस्ट्री है। ठीक है, और दूसरी बात मैं बोल सकता हूँ कि कभी भी ऐसे मत सोचो, मतलब माइंड में ऐसे मत सोचो कि ठीक है ये क्वेश्चन ऐसे होगा ऐसे नहीं होगा। तो आपको क्या है, एक कॉपी और पेन लेना है और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें मतलब माल की सोल्व करना है। मतलब जैसे मैथमेटिक्स में हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं वैसे ही हम रिएक्शन मैकेनिज्म को ड्रॉ करके मतलब सोल्व करना है क्वेश्चन को। ऐसे नहीं कि हाँ ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये प्रोडक्ट हो जाना चाहिए, फिर बाद में पता चलता है कि प्रोडक्ट वो नहीं होता। ठीक, तो ऐसे फालतू के अजम्पशन लगाना बंद करना माइंड में। तो अब देखो, बुक की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी बुक्स होती है और कौन कौन सी हमें मतलब कौन कौन सी वीडियो देखने हैं। तो बेसिकली यदि बात करूँ मैं स्टार्टिंग बेसिक्स की बात करूँ तो मतलब बोल सकता हूँ कि मतलब पीटर स्क्राइब और अपने पास जो क्लेडन है उन दोनों को मतलब प्रेफर कर सकते हो यदि आपको मतलब स्टार्टिंग से बिल्ड करना है, मतलब स्टार्टिंग से आपको सीखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप, मैं बोलूंगा कि जो ओ यहाँ क्लेडन है, क्लेडन एक तरह से लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं, हायर स्टडी के लिए भी करते हैं, बट मैं नहीं मानता कि चलो ठीक है क्लेडन ओनली। आजकल क्लेडन 12th वाले पढ़ने लग गए, ठीक है, तो आप सोच सकते हो मतलब क्लेडन ऐसा है कि मतलब आपको मतलब बेसिक नॉलेज मतलब बोल सकते हैं कि मतलब एक तरह से जानना बोल सकते हैं कि आप केमिस्ट्री के बारे में जानने लग जाओगे कि हाँ भाई कुछ होता है। ठीक है, तो क्लेडन तक की बात मैं यहाँ पे करता हूँ कि मतलब, और बेसिकली IIT जेम में क्लेडन से बाहर नहीं जाते क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो, कभी कभी केरूथर वगैरह इनसे पूछ लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत रेयर में होता है। तो जो अब बताता हूँ मैं कि जो ये वीडियो बनाते हैं हम, तो उसके अंदर हम सारी जितनी भी मतलब वेराइटीज होते हैं क्वेश्चंस की, तो हम क्या करते हैं अलग अलग बुक्स को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम मेंशन कर देते हैं। तो IIT जेम और DUBHU इनके लिए तो बोल सकता हूँ कि ये क्लेडन सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। यदि आपको मतलब रिएजेंट वगैरह इन सब के बारे में, ये रिएक्टिविटी वगैरह इनके बारे में जानना है। तो अब बात कर लेते हैं कि मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो स्टीरियो केमिस्ट्री में यहाँ पे मैंने 3 बुक ली है, मतलब बोल सकता हूँ कि पहला तो है PS कलसी और नासीपुरी, और बाद में बोल सकता हूँ मेरे पास ये इलियल है। ठीक है, यदि आपके पास ये बुक्स अवेलेबल नहीं है, यदि बुक्स अवेलेबल नहीं है तो आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो आलोक सर से। ठीक है, आलोक सर ने GOC भी पढ़ाई है, तो यदि GOC की बात करूँ तो GOC आलोक सर से पढ़ लेना, रिएजेंट की बात करूँ तो JB सर के मतलब जो वीडियो है उनको देखना। ठीक है, और स्टीरियो देखो, यदि आपको IIT जेम के स्टीरियो यदि पास करना है तो आप ले सकते हो PS कलसी और नासीपुरी यूज में ले सकते हो। और आपको प्रो बनना है, मतलब मेरे को स्टीरियो मतलब कोई भी कोई टीचर तक क्वेश्चन पूछे और टीचर्स को भी आप ऐसे बोलो कि सर ये ऐसा नहीं, ये ऐसा ही होने वाला है, तो आप इलियल फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री के कुछ बुक्स हैं, मतलब बहुत ही अच्छी बुक्स है। ठीक है, फालतू की फर्जी बुक नहीं है ऐसे बोल सकते हैं। बात आती है रिएजेंट और होमोलूमो की, तो देखो रिएजेंट की एक बहुत अच्छी बुक है ये वाली। ठीक है, इसेंशियल रिएजेंट फॉर द ऑर्गेनिक सिंथेसिस। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी जितने भी रिएजेंट हैं उनको पर्टिकुलर, जैसे मान लो कि एक रिएजेंट जैसे LiLH4 की बात करूँ मैं, तो उसके कम से कम 10 पेज इसमें दे रखे हैं। ठीक है, और उसमें सिलेक्टिविटी मतलब जितना भी कुछ हो सकता है LiLH4 के बारे में, ठीक है, उसके बारे में मेंशन कर रखा है, जैसे K2Cr2O7 सबके लिए, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट जितने भी है सबके लिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है इस बुक में। बहुत अच्छी बुक है। और बात करते हैं होमोलूमो की, तो होमोलूमो के लिए सबसे बेस्ट बुक बोलता हूँ कि मतलब सही बताऊँ तो यहाँ पे ये वाली बुक है, जैसे मैं यहाँ पे अभी कनाडा में हूँ तो ये बुक यहाँ पे मतलब ऐसे अलाउ नहीं है, मतलब हम ऐसे डाउनलोड नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो यहाँ पे लोग इसको खरीद लेते हैं। मतलब सोच लो, मतलब इतनी अच्छी बुक है ये, मतलब पैसे दे के इसको खरीदना मतलब वो समझते हैं, वर्थ समझते हैं। ठीक है, मतलब कि हम ये बुक खरीद भी लेंगे तो हमारा कुछ जाएगा नहीं, हम कुछ सीखेंगे। तो बहुत अच्छी बुक है, यदि आपको होमो लूमो कंसेप्ट सीखना है, क्या सीखना है, होमो लूमो कंसेप्ट सीखना है, तो आप ये वाली बुक यूज में ले सकते हो। और यदि बात आपको मतलब जैसे मतलब नेट और गेट को क्रॉस करना है और जेम को क्रॉस करना है, तो आप मेरे जितने भी लेक्चर जो रिएक्शन मैकेनिज्म के जितने भी लेक्चर हैं हमने क्या है उसमें होमो लूमो की बात की है। ठीक है, तो आप मेरे लेक्चर देख सकते हो।
और उसके बाद में अब बात करते हैं कि मतलब सर नेट गेट वालों के लिए कोई अच्छी सी बुक बताओ। तो देखो यदि आपको हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो हेट्रोसाइ तो आज आज राज के बंसल है, मतलब बहुत अच्छी बुक है। उसमें पर्टिकुलर जैसे मान लो कि प्रीडीन है तो प्रीडीन के बारे में डिटेल मतलब डिस्कशन किया गया है, कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो उसने बहुत अच्छे से यहाँ पे उसने मतलब मेंशन किया है। उसके बाद में बात करता हूँ केरुथल की। तो देखो केरुथल मतलब आप पढ़ नहीं सकते, पढ़ने का मतलब बोल सकता हूँ कि आपके पास लाइक ये टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है, मतलब केरुथल को पढ़ना टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है, मतलब आपको समझने में टाइम लगेगा। लेकिन आप क्या कर सकते हो, मतलब पहले वीडियो लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन हैं मतलब बोल सकता हूँ कि जितने भी एग्जाम्पल्स है उसके अंदर आप केरुथल के वो सारे सॉल्व कर सकते हो। उसका रीज़न क्यों बोल रहा हूँ कि भाई केरुथल आपको मतलब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है, एक्चुअली में होता क्या है कभी कभी केरुथर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब AGT जैसे के ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं केरुथर से। तो आपको केरुथर फॉलो इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप क्या करो कि मतलब यदि आपके पास AGT क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ आइडिया रहे कि हाँ यार ये ऐसे था या ऐसे नहीं था, ठीक है। तो आप केरुथर को इसलिए यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। बात करते हैं कि मतलब कि सिलेक्टिविटी की, रेडियो सिलेक्टिविटी स्टीरियो केमिस्ट्री की। तो बेसिक से देखे जाए तो देखो लेक्चर आप वीडियो लेक्चर देखना, स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाए हैं हमने, ठीक है। तो उनको देखने के बाद में ये दो बुक है, मतलब एक बोल सकता हूँ कि पार्ट ए और पार्ट बी है, किसकी है ये, केरे की है, ठीक। तो इनके अंदर क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल मतलब बोल सकता हूँ इन्फिनिटी एग्जाम्पल मान लो उनके सबके रेफरेंस है, ठीक है। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि इसमें मतलब आपको एक्सप्लेन किया हुआ नहीं है, मतलब बोल सकते हैं कि जब रिएजेंट लिया है, रिएक्टेंट लिया है और प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया विद द स्टीरियो केमिस्ट्री, और उसके नीचे रेफरेंस लिख दिया है कि यहाँ पे इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री ऐसे क्यों है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, जितने भी मतलब वीडियो बनाए हैं तो उनमें से मान लो कि इन दोनों बुक में से हमने यदि क्वेश्चन लिया है तो हमने उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री एक्सप्लेन की है, क्योंकि हमारे पास पब्लिकेशन के लिए एक्सेस होता है, ठीक है। मतलब कई कई टीचर होते हैं जिनके पास एक्सेस नहीं होता, मतलब कॉलेज के अंदर एक्सेस होता है, मतलब हम ऐसे डायरेक्ट पब्लिकेशन डाउनलोड नहीं कर सकते। तो इसलिए ये है कि तो मतलब बोल सकते हैं कि एक्सेस रहता है तो हम डाउनलोड करके देख लेते हैं कि स्टीरियो केमिस्ट्री ऐसे ही क्यों एक्सप्लेन किया है इसने, ठीक। तो मतलब आपको क्या करना है कि पहले लेक्चर देखना है स्टीरियो केमिस्ट्री के, और उसके बाद में जो भी इसमें मतलब क्वेश्चन आंसर है, मतलब क्वेश्चन है बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, केरे से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब नेट और गेट की बात करो तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो आप ये इन दोनों को फॉलो कर सकते हो। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यदि व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर आप आलोक सर से बात कर लेना एक बार, और या फिर आप मेरी मेल आईडी लिख लो, तो मेल आईडी पे आप कोई भी क्वेश्चन यदि कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप डायरेक्ट मेरे को सेंड कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लिख देता हूँ, ठीक। तो मेरी ईमेल आईडी है dhanraj.kumawat00@gmail.com, ठीक है। ये मेरी ईमेल आईडी है, और मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ चलो लास्ट में जाते जाते। तो माई सेल्फ धनराज कुमावत, एंड करंटली आई एम परस्यूइंग माई PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, ठीक है, कैनेडा। एंड आई हैव डन माई मास्टर फ्रॉम IIT गांधीनगर। बिफोर दैट आई डिड माई बैचलर फ्रॉम हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो इसके बारे में भी मैं अपना लेक्चर बनाऊंगा, मतलब ब्लॉग बनाऊंगा कि हाँ ठीक है भाई मेरी जर्नी कैसी थी यहाँ तक आने की, मतलब मैं गांव से भी नहीं वैसे तो मतलब बोल सकता हूँ कि एक कस्बे से था, ठीक है। तो उसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आपको इस बात में यहाँ पे फोकस करना है कि कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन कौन सी मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस करने, कहाँ से नहीं करने। अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो उससे मतलब जब एंड करने से पहले ये और बता देता हूँ कि आपको हमारे लेक्चर क्यों देखने चाहिए, मतलब कि आप सर ऐसे तो बोल रहे हो कि स्टीरियो पे ज़्यादा फोकस दे रहे हो, रेडियो सिलेक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो आप, लेकिन आप करना क्यों चाह रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मतलब कुछ एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ मैं, मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उनके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि मेरे पास यहाँ पे मान लो कि मैंने ये गेट 2000 का मतलब पेपर देखा है, मतलब है ना। तो इसमें देखो मेरे को क्या दे रखा है, मतलब यहाँ पे दे रखा है 1.24 में प्रीडीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन। अब देखो मेरे पास यहाँ पे सेकेंड पोजिशन पे भी जा सकता था, थर्ड पे भी जा सकता था, फोर्थ पे भी जा सकता था, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ गई रेडियो सिलेक्टिविटी की, मतलब कौन सी पोजीशन पे जाएगा, ठीक। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मतलब कौन से लेक्चर देखने, जब मैंने मेंशन किया था कि आपको कौन से लेक्चर देखने हैं, कि यदि कोई टीचर आपके पास रेडियो सिलेक्टिविटी या स्टीरियो केमिस्ट्री आपको यदि एक्सप्लेन कर रहा है तो आपको वही लेक्चर मतलब देखने हैं, ठीक। चलो ये बात मैंने रेडियो सिलेक्टिविटी की बात की।
ऐसे ही मैं यदि स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करूँ तो मैंने ये पेपर लिया है, मतलब ये नेट का पेपर है शायद, मे बी आई थिंक। तो इसमें देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 96 क्वेश्चन देखो, और उसमें सी और डी ऑप्शन को देखो, सी और डी ऑप्शन को देखो, यहाँ पे ओनली हाइड्रोजन और सी एच थ्री की मतलब सी और ट्रांस ही कर रखा है इनको, मतलब ओनली उन्होंने क्या चेंज किया है, मतलब यहाँ पे इनकी मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज की है। तो मैं बोल रहा था आपको कि आपको प्रोडक्ट तो फॉर्म कर दोगे, लेकिन यदि कोई टीचर यदि आपके पास स्टीरियो केमिस्ट्री एक्सप्लेन नहीं कर रहा आपके पास, तो अब आप क्या कैसे डिसाइड करोगे कि या तो आंसर सी होगा या डी होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे ही यदि मैं एक और नेक्स्ट एग्जांपल लूँ, तो नेक्स्ट एग्जांपल में मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मतलब जो यहाँ पे जो लिक्विड मतलब बोल सकते हैं लिक्विड यहाँ पे अब NH3 है इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम, तो यहाँ पे देखो एजे मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे बर्च रिडक्शन की तरह काम कर रहा है शायद, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखा जाए तो अपने पास कौन सा बॉन्ड यहाँ रिड्यूस होगा, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड रिड्यूस होगा, यहाँ पे रिड्यूस इलेक्ट्रिविटी की फिर से बात आ गई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे चलो स्टीरियो केमिस्ट्री तो इसमें दी नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये एग्जांपल लिया हमने रिड्यूस इलेक्ट्रिविटी एक्सप्लेन करने के लिए कि रिड्यूस इलेक्ट्रिविटी की बात आ गई। ऐसे यदि मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ तो देखो ये वाला जो LiLH4 रिडक्शन है, बेसिकली बोलते हैं कि क्या कहता है, सबको पता है कि किसको नहीं पता है कि ये बताओ कि मतलब कार्बोनिल का रिडक्शन मतलब LiLH4 कार्बोनिल का रिडक्शन नहीं करता, सबको पता है कि करता है, ये तो ऑब्वियस है उसमें क्या है। लेकिन बात आ जाती है स्टीरियो केमिस्ट्री की, स्टीरियो केमिस्ट्री की बात आ जाती है, तो यदि ए और बी को कंपेयर कराऊँ तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ CH3 और OH को मेरे क्या है मतलब सिस ट्रांस में रखा है, ठीक है। तो वही बात आ जाती है कि मैं स्टीरियो केमिस्ट्री की मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री पे मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ। ऐसे यदि मैं नेक्स्ट पेपर की बात करूँ तो नेक्स्ट पेपर में फिर से देख सकता हूँ कि मतलब जो यहाँ पे देख सकते हैं हम कौन से एग्जांपल को देखें, हाँ ए और बी को ही देखें, तो ए में अपने पास जो एक्स है वो तो अपने पास सेम है, लेकिन बी की बात करूँ तो मेरे पास मिथाइल और इथाइल दोनों सेम साइड है, और इधर देखूँ तो मेरे पास दोनों ही डिफरेंट साइड है, मतलब बोल सकता हूँ कि अब देखो यहाँ पे फिर से मेरे पास वही है, मतलब पता कैसे चलेगा कि भाई मेरे को कि भाई कौन सा राइट आंसर होने वाला है। सबको मैकेनिज्म आ जाती है, एक बार के लिए मैकेनिज्म सबको आ जाती है, लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री पर जब तक आप फोकस नहीं करोगे तब तक मैं बोल रहा हूँ कि मतलब जो नंबर है ना जो मतलब जो फर्स्ट सेकंड रैंक के लिए वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे यदि मैं नेक्स्ट फिर ऐसे इस एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पे फिर से वही है, यहाँ पे देखो किसकी बात करूँ मैं, मतलब ए और बी की बात कर लूँ मैं, नहीं मैं बात करता हूँ बी एंड डी की बात करता हूँ, तो यहाँ पे देखो OH और SPH की यहाँ पे जो अपने पास स्टीरियो है वो क्या है डिफरेंट डिफरेंट है, बी और डी की बात कर रहा हूँ 130 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो OH और SPH मतलब जस्ट अपोजिट है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, ठीक है। अब बात करता हूँ कि चलो ठीक है सर, ये आपने बता दिया कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लेकिन आप ये तो बताओ कि आपके लेक्चर्स में भी ये आपने मेंशन किया है। तो देखो हमने क्या किया है इन लेक्चर्स में, ये वाला जो हमारा जो पर्टिकुलर चलो ठीक है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ही ले लेते हैं हम फॉर एग्जाम्पल, हमने बहुत सारे मेंशन किए हैं, ठीक है, लेकिन एल्डोल से स्टार्ट कर देते हैं, नेम रिएक्शन हमने यहीं से स्टार्ट की थी। तो देखो हमने यहाँ पे दो चीज़ें मेंशन की कि हार्ड सॉफ्ट की बात की, देखो यहाँ पे हमने किसकी बात की, हमने आपने हमने बात की है हार्ड सॉफ्ट की बात की है, ठीक है, हार्ड एंड सॉफ्ट की बात की है यहाँ पे, ठीक है, मतलब हार्ड सेंटर से होगा या सॉफ्ट सेंटर से होगा। और फिर यहाँ पे हमने पहले चैप्टर को समराइज किया है, तो पहले चैप्टर को यदि समराइज भी किया है हमने तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे रिड्यूस सिलेक्टिविटी की बात की है कि मतलब अटैक यहाँ करेगा या यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा या यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, मतलब जो एरो दिखा रहा हूँ मतलब वो मैं बता रहा हूँ कि कहाँ अटैक करेगा। इस ऐसे एक्टिव मिथाइलिन में देखा मतलब यहाँ पे अटैक करेगा या यहाँ अटैक करेगा, मैंने बोला कि ये यहाँ पे अटैक कर रहा था, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे अटैक नहीं करके ये यहाँ पे अटैक कर रहा था, उसका रीजन हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो मतलब कैसे कितने मतलब वेराइटीज के अपने पास क्वेश्चन है। ऐसे ही बात करिए तो ओनली एक जनरल है, ये तो समराइज है, ठीक है, मतलब जो हमने मतलब जो लेक्चर है उसमें कितना एक्सप्लेन किया है वो नहीं पता आपको, यदि आप लेक्चर देखोगे तो बहुत मतलब ऐसे लगेगा कि यार सच में हमने बहुत मतलब मेहनत करके वीडियो बनाया है। अब बात करते हैं चलो ठीक है, मतलब जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है उसी की बात करें, तो जो इसकी फोर जो मतलब फोर स्टेप है उनमें हमने जो नॉर्मल जो जितनी भी बात होती है उनकी बात की थी, और जो फाइव से लेके एट है, जो फिफ्थ से लेके एट है उनमें हमने बात की थी रिड्यूस सिलेक्टिविटी की, और अपने पास सेल्फ एंड क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन की, स्टीरियो केमिस्ट्री की फिर से बात की हमने, ठीक है, सिस प्रोडक्ट फॉर्म होगा या ट्रांस प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और एल्डोल की मतलब सिस एंड एंटी एल्डोल प्रोडक्ट की बात की। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था बेसिक से, तो आप देख सकते हो हमने क्या क्या मतलब मेंशन किया था, क्या क्या नहीं मेंशन किया था, और तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लेवल वन में अपने पास क्या सिमेट्रिकल ले रखा है, ठीक है, तो ये अपने पास सिमेट्रिकल था, अपने पास ये भी सिमेट्रिकल था, यहाँ पे कीटोन था, पहले वाले में LDI था। अब देखो हमने यहाँ पे किससे स्टार्ट कर दिया, ये अनसिमेट्रिकल से स्टार्ट कर दिया। अब तो यहाँ पे अपने पास एक
दो अपने पास तीन वेरा मतलब तीन तरह के अपने पास एसिडिक हाइड्रोजन हो गए थे, और उनमें से कौन सा निकलने वाला था ये हमने एक्सप्लेन किया था। अब बात आ जाती है क्रॉस एल्डोल की, ठीक है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की बात करें तो यहाँ पे क्रॉस होगा या सेल्फ होगा, हमने ये बात की थी। और लेवल फिफ्थ में हमने बात की थी कि अपने पास काइनेटिक फॉर्म होगा या थर्मोडाइनेमिक इनोलेट फॉर्म होगा, तो देखो यहाँ पे ये था अपने पास, ये यहाँ पे ये था, ठीक है। लेवल सिक्स की बात की थी हमने यहाँ पे कि क्रॉस मतलब सेल्फ होगा या क्रॉस होगा, ठीक। तो ऐसे ही बहुत सारे मतलब यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री की बात की हमने कि भाई कि यहाँ पे सिस प्रोडक्ट फॉर्म होगा या एंटी प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक। तो ये सब बातें हमने यहाँ पे लेक्चर्स में की है, आप देख सकते हो एक बार, लेक्चर देखना, आपको अच्छा लगे तो ठीक है फीडबैक देना, और अदरवाइज आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एंड लाइक बहुत अच्छे से तैयारी करना, ठीक है, अब की बार हमें फर्स्ट रैंक लेके आना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।